जो इलेक्शन के दिन पुलिस फोर्स मजिस्ट्रेट या सबकी डेपुटेशन है, तो टोटल 48 कंपनी CAPF की हम लोगों के यहाँ पे अलॉट हुई थी डिस्ट्रिक्ट में, जिसको हम लोगों ने सभी को बूथ पे हम लोगों ने डिप्यूट किया है। टोटल जो बूथ हैं उसके 66% बूथ पे हमने CAPF को डाला है। सेंसिटिव जितने भी लोकेशन थे, जितने भी वल्नरेबल लोकेशन हम लोगों ने मार्क किए थे, उस पे सभी पे CAPF फोर्स की डेपुटेशन हुआ है। उसके अलावा जो जिला पुलिस के बल है उसकी भी डेपुटेशन हुआ। टोटल जो है 9000 फोर्स के आसपास हम लोगों ने डेप्यूट किया है। हमरा संगे अखन मधुबनी पुलिस कप्तान सुशील कुमार जी छथि और आचार संहिता के चुनाव प्रचार जे छै तकर समापन भऽ गेलै। तेसर फेज के खास कर झंझारपुर लोकसभा चुनाव अपना ओहिठाम जे भऽ रहल छै, की केना तैयारी छै सर, और कतेक पुलिसिंग और की केना सीमावर्ती जे इलाका सब छै तकरा लेल, और जे सेंसिटिव जोन छै तकरा लेल ओहि मतदान केंद्र सबके लेल की केना तैयारी छै? देखिए, जैसा बता रहे थे कि 7 तारीख को इलेक्शन है, आज से सभी तरह की कैंपेनिंग बंद हो गई है। 48 आवर्स जो साइलेंस पीरियड होता है इलेक्शन कमीशन के प्रोटोकॉल के हिसाब से, वो हम लोग मेंटेन करेंगे। जो इलेक्शन के दिन पुलिस फोर्स मजिस्ट्रेट या सबकी डेपुटेशन है, तो टोटल 48 कंपनी CAPF की हम लोगों के यहाँ पे अलॉट हुई थी डिस्ट्रिक्ट में, जिसको हम लोगों ने सभी को बूथ पे हम लोगों ने डिप्यूट किया है। टोटल जो बूथ हैं उसके 66% बूथ पे हमने CAPF को डाला है। सेंसिटिव जितने भी लोकेशन थे, जितने भी वल्नरेबल लोकेशन हम लोगों ने मार्क किए थे, उस पे सभी पे CAPF फोर्स की डेपुटेशन हुआ है। उसके अलावा जो जिला पुलिस के बल है उसकी भी डेपुटेशन हुआ। टोटल जो है 9000 फोर्स के आसपास हम लोगों ने डेप्यूट किया है। और उसके अलावा जो पेट्रोलिंग के लिए सेक्टर पुलिस ऑफिसर होते हैं, जोनल ऑफिसर होते हैं, जोनल पदाधिकारी और सुपर जोनल, उसके अलावा SST और FST, इन सबों के भी तो कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जो किसी भी तरह के किसी भी विधि व्यवस्था को निपटने के लिए तैयार रहेंगे। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के कैटा मामला अहाँ सब दर्ज? टोटल अभी तक 2 आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है, और अगर अभी भी 2 दिन है, इसमें भी कोई होता है तो हम लोग इस पर भी कार्रवाई करेंगे। और खासकर आप जो 48 घंटा छे वो बहुत निर्णायक भऽ जाए छे, खासकर गुप्त रूपे जो मतदाता सब छे तकरा तक पैसा पहुँचेनाइ या फिर अलग अलग जो प्रलोभन छे, तो तकरा लेल कोनो तरहक व्यवस्था अहाँ सब कऽ रहल छी? स्पेशल टीम है हमारी, फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, जो कि इस तरह की किसी भी तरह की सूचना पे जा कर के छापेमारी करती है। उनके साथ वीडियोग्राफी टीम भी होती है, ताकि वीडियोग्राफी की जा सके जब छापेमारी होती है, ताकि किसी तरह का आरोप न लगाया जा सके। तो ये हमारी व्यवस्था है, 35 हमारी ऐसे फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है, और कोई भी सूचना प्राप्त होती है उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं और इस पर कार्रवाई करते हैं। कई जगह पे हम लोगों ने अभी तक रेड किया भी है, और अगर आप लोगों से भी हम लोग का अनुरोध होगा कि कोई भी सूचना मिलती है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके हमें बता सकते हैं, हम लोग उस पर वेरीफाई करके जरूर कार्रवाई करेंगे। एक सूचना हमारा सब तक पहुँचल छल जो VIP या महागठबंधन के जो उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ छथि, हुनका जे कोनो ठिकाना छल या ओहिपर किछु छापामारी कयल गेल छल, एहिमे कतेक सत्यता छै? सूचना थी कि एक कोतवाली चौक है, वहाँ पे एक दुकान है गिट्टी बालू का, उसमें कुछ पैसे बांटे जा रहे हैं, उसी सूचना पे जाके कार्रवाई की गई थी। अब वो किसका प्रेमाइस था ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन आज एक जगह पे छापेमारी की गई है। कोई बरामदगी एहन तरह किछु नहीं? कोई बरामदगी नहीं हुई वहाँ पे। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ई छला है सुशील कुमार जे लगातार प्रायः कतेक दिन से जे छै चुनाव के तैयारी में जुटले छै, और अजुका जे अपडेट छै वो अपडेट हमरा सबके बतेला है, और खास कर कोनो तरहक जे अगर वायलेशन होइ छै, कतौ लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन बनै छै, तऽ अहाँ सब डायरेक्ट जे संपर्क सूत्र देल गेल छै ताहिपर अपने सब व्हाट्सएप कऽ कऽ मैसेज कऽ कऽ जे छै से ओहि चीज के निराकरण करवा सकैत छी। टफन XT600 HCR TMT रिबा, पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।